फ्रेंड्स, आज हमारे पास एप्सन L 380 प्रिंटर आया है और ये क्या हरकत कर रहा है, ब्लैंक पेज निकाल रहा है। इसका हेड जाम हो चुका है और कस्टमर ने 3-4 महीने से इसको यूज़ ही नहीं किया है। आइए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं ये क्या दिक्कत कर रहा है। ये खाली ब्लैंक पेज निकाल देता है, ये खाली हमारा ब्लैंक पेज निकाल देता है। आइए हम इसके आज आपको हेड क्लीन करना बताएंगे। इसके हेड को हम निकालेंगे और इसके नोजल को जो अच्छे से साफ करेंगे, जो ब्लॉकेंगे। आइए हम इसको पावर ऑफ कर देते हैं, उसके पावर कॉर्ड को निकाल लीजिए, फिर हम उसके हेड को निकाल के आपको बताएंगे। इसके स्कैनर को अलग करने के लिए नट खोल लेंगे हम, जिसको जैसे ऊपर उठाते हैं। साइड से हम इसको निकाल लेंगे, यहाँ पे इसका एक केबल होगा, इस केबल को निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा स्कैनर अलग हो जाएगा। फिर हम अपने इंक पैड का बीच में ले आएंगे उसको, एक कवर निकाल लेंगे। चार इंक पैड हैं, इनको निकाल के बाहर कर लेंगे। इंक पैड देख लेंगे अपन, इंक पैड कहीं से लीक नहीं होने चाहिए। इंक पैड में इंक बराबर आ रही है। चारों इंक पैडों को बाहर निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, अपने अगल बगल से दोनों साइड से इसको प्रेस करते हुए इस कवर को बाहर कर लेंगे। इस तरह से देखिए ये बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमें 3 नट दिखाई देंगे। एक दो और ये 3, इसके ऊपर हमारा पूरा ये हेड रहता है। इस हेड को बड़े प्यार से निकालिए, सीधा पकड़ के इसको निकाल लीजिए इस तरह से।
इसको बड़े प्यार से निकाल लेना है हेड को बाहर। के हेड को बगल से खोलते हुए ऐसे लाएंगे हम और इस पे से ये इसकी केबल को निकाल लेंगे। हेड को बड़े आराम से निकालना है और इसमें किसी भी तरह का इस सर्किट पे पानी नहीं आने देना है, पानी से बचा के इसको काम करना है। साफ हमने जो लिक्विड से करना है वो मैं आपको बताता हूँ, उस लिक्विड के थ्रू हमें इसको साफ़ करना है। इसको साफ़ कैसे करेंगे उसके लिए हमें इंजेक्शन के का यूज़ करेंगे। देखिए हमें हेड साफ करने के लिए इस तरह से इंजेक्शन ले लेना है। इंजेक्शन में इस तरह से हमें एक पाइप लगा लेना है और अपने हेड को ये हेड के चारों नोजल हैं इनको इस सिरिंज से लगा के साफ कर लेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है इसको। मोबाइल को हम ज़रा यहाँ रख लेंगे। इस तरह से इनके एक एक पॉइंट पे हम इसको लगाएंगे और इस तरह से आराम से इसको प्रेस करते हुए निकालेंगे। ये देखिए, ठीक है, इसी तरह से दूसरे को इसी तरह से आप तीसरे को कर लीजिए। चारों पॉइंट को हम इस तरह से साफ कर लेंगे। इस तरह से हम चारों पॉइंटों को अपना साफ कर लेंगे और हम अपने स्कैनर को सेट कर लेंगे। इसके केबल लगाएंगे, देखना है हमारा हेड क्लीन हो गया है, कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है, नहीं तो इसमें नया हेड लगाना है पड़ेगा। ऐसे कुछ प्रिंट आउट या कुछ हेड क्लीनिंग करके नहीं निकलता है प्रिंट आउट, हमें इसका
इंटरनेशनलाइज हुआ है। ये देखिए रेडी मोड में आया है। हाँ आपको दिखाते हैं इससे कुछ रिजल्ट निकलता है कि नहीं। इससे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देख रहा है। एक बार हम अपना मेंटेनेंस टूल और चला लेंगे। मेंटेनेंस टूल चला के अपन देख लेंगे कि कुछ हेड में जान बची है कि नहीं। मेंटेनेंस टूल चलाने के लिए इसको अपना लैपटॉप से अटैच कर लेना पड़ेगा। और मेंटेनेंस के लिए हमें इस पर राइट क्लिक करके प्रिंटिंग प्रेफरेंस पे क्लिक करना है। इसके मेंटेनेंस पे जाना है और इसके हेड क्लीनिंग का ऑप्शन जो है ये स्टार्ट कर देना है। एक बार हेड क्लीनिंग कर लेंगे, एक बार पावर फ्यूजर चला लेंगे। या पावर फ्यूजर अभी हमने चलाया था जैसे, तो इसका थोड़ा सा डेट एंड टाइम चेंज कर लेंगे। हाँ अब इसका एक बार हेड पावर फ्यूज चला के देख लेंगे। और इसके अंदर अभी अगर कुछ भी हमें रिस्पॉन्स और नहीं मिलता है तो इसका सीधा लास्ट उपाय है इसका हेड चेंज करना। मैंने आपको हेड क्लीनिंग करना सिखाया है। इसके अंदर हेड क्लीन करने के बाद भी अगर ये रिस्पॉन्स नहीं देता है कुछ भी, तो इसका हेड श्योरली ख़राब है। हम इसके हेड को चेंज करने के लिए कस्टमर से बता देंगे। ये हेड क्लीनिंग का एक बार ऑप्शन और चला देंगे मेंटेनेंस में जाकर। ये थोड़ा टाइम लेगा। ज़्यादा दिन तक रख देने के बाद भी प्रिंटरों में ये समस्या आ जाती है। ये जो अपने टैंक वाले प्रिंटर हैं इनको आप रेगुलर यूज़ करिए, अन्यथा इनका हेड बैठ जाएगा। हेड बहुत ही महंगा आता है क्योंकि मैं आपको फिर न्यू हेड इंस्टॉल करना ही बताऊंगा। हमें नया हेड डाल के कैसे इसको इंस्टॉल करना है मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। वो
नोजल चेक का ही साइन है यहाँ का, प्रिंट नोजल चेक। इसको एक बार प्रिंट पे क्लिक कर देंगे, अब फिर देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। वहाँ कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया इसने। चलिए एक बार इसका पावर फ्यूचर, पावर एंक फ्यूचर और चला लेंगे अपन। इसका नहीं था, बस एक लास्ट उपाय है, लास्ट ऑप्शन है, इसका हम हेड चेंज कर देंगे। अपन ने सब उपाय करके देख लिए, प्रिंटर सर्विस कर दी है पूरी, इंक जो इसके इंक के टैंक हैंगे उनको भी हमने रिफिल कर दिया हैगा, इंक भी डाल दिया उनमें, इंक को शक कर लिया हैगा, हेड क्लीन कर दिया हैगा। उसके बावजूद यहाँ पे हमने मेंटेनेंस टूल चला दिए, उसके सभी सभी उपाय करके देख लिए हैं। लास्ट में अगर ये नहीं आता है तो हम इसका खाली इसका हेड का प्रॉब्लम है, हेड चेंज करना है, एक लास्ट उपाय बचेगा बस। पावर इन्फ्यूज़र फ्यूजिंग का ये प्रोसेस चल रहा है, इसमें इंक थोड़ा सा ये खींचता है हेड से, ये वो करके देख ले रहे हैं एक दो बार। एक बार मैं पहले चला चला चुका हूँ इसमें, यहाँ पर लाइट ब्लिंक करती रहेगी इस तरह से। प्रिंटर के अंदर जो कुछ भी होता है वो अपन यहाँ से देख सकते हैं। इसका हेड का इश्यू आ रहा है, अगर कभी इश्यू अपन ने मेंटेनेंस करना है, मैंने आपको बता दिया, सफाई करना बता दिया, लास्ट ऑप्शन इतना ही आता है कि इसके हेड को दूसरा लगा दिया जाए। थोड़ा सा टाइम लेगा,
पावर इंक्रीजिंग चल रही है, इंक को हेड पे हेड से खींचता है वो, अपना हेड क्लीन करता है। ये ऑटोमेटिक प्रिंटर अपने आप ही इस कमांड के द्वारा करता है। यहाँ पे मैसेज आ जाएगा फिनिश का, इसको अपन फिनिश कर देंगे। यहाँ पे एक बार नोयल चेक करके देखेंगे अपना प्रिंट आउट में कुछ आया कि नहीं आया, एक बार इसको प्रिंट कर देंगे। अभी समझ में आएगा अपना कुछ हुआ है। नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब ये अपना हेड ख़राब है। अपन हेड को चेंज करने और इसको आपका जो प्रॉब्लम था वो हेड का है, इसको हमने साफ़ करके देख लिया। आपको मैंने साफ़ करना बता दिया है, नोजल को क्लीन करना बता दिया है, प्रिंटर से भी इसका मेंटेनेंस करना बता दिया है, प्रिंटिंग प्रेफरेंस भी आके मेंटेनेंस भी आके सभी कमांड चला दिए अपन ने। अब श्योर हो गया हमारा कि ये इस प्रिंटर का हेड ख़राब है। वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हमने इसका हेड निकाल लिया है, ये इसका पुराना हेड है। हाँ, इसमें दूसरा हेड लगा के देखते हैं। ये हमारे पास एक हेड रखा था, उसको हम इसमें लगा के और इसको फिट करके चालू करके देखते हैं क्या होता है। हमने अभी इसमें एक जुगाड़ का हेड लगाया है, ये इसका पुराना हेड है जो कि ब्लॉक था बिल्कुल, और दूसरा हेड लगाने पे जुगाड़ का हेड था उससे भी ऐसा प्रिंट आउट निकल रहा है। ये हमारा जुगाड़ का हेड यहाँ पे L130 का निकाल के हमने लगाया है। चलिए हम इसके अंदर मेंटेनेंस से कुछ टूल चला लेंगे और टूल चलाने के बाद इसका क्या रिजल्ट रहता है वो देखते हैं। ये हमारा जुगाड़ का हेड प्रिंटर पे चलता है कि नहीं। चलिए, कस्टमर का काम चल जाना चाहिए। चलिए हम कुछ मेंटेनेंस टूल चला लेंगे इसमें। हम प्रिंटर डिवाइस पे आएंगे, मेंटेनेंस टूल चलाने पे थोड़ा हेड आ जाना चाहिए। मेंटेनेंस पे आएंगे, नोजल चेक पे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए अभी ऐसा दे रहा है, कलर में हल्का फल्का निकाला है इसका नोजल। नोजल सब कुछ अभी इसकी मेंटेनेंस टूल चला लेंगे, उससे हमारा ये आ जाना चाहिए, कस्टमर का भी काम चल जाएगा। हमारे पास एक ये जुगाड़ का हेड रखा हुआ है, ये भी लग जाएगा। अपने पास से कस्टमर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए मेरा शॉप में। उसको जो हमने बताया कि आपका हेड ख़राब हो चुका है, ये जो इसका हेड है वो खुद बोल रहे थे हमने 7-8 साल से नहीं चलाया, और ये कस्टमर की गलती है। चलिए अपन जुगाड़ बना के देते हैं उसको। ये हेड क्लीनिंग के और बाकी जब मैं टूल चला लेता हूँ
आप ये सब चलाना जानते होंगे। ये चलाने के बाद क्या इसका रिजल्ट आता है मैं आपको थोड़ी देर से बताता हूँ। ये सभी मेंटेनेंस के टूल्स चल गए हैं, हम इसका एक पर टेस्ट पेज निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मिशन सक्सेस रहा। इसके सभी कलर्स वेस्ट आने लगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इस तरह से हम अपने कोई पुराना हेड अगर हमारे पास डला हुआ है उसको भी हम प्रिंटर में स्टोर कर सकते हैं, जुगाड़ से भी काम बन सकता है। ओके, थैंक यू।